कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, लेकिन इतना भी नहीं कि यूपी सरकार के मंत्री को गिरफ्तारी न होने पर जिंदा जला देने की धमकी दे दी जाए, वह भी जिलाधिकारी ऑफिस के सामने, भारी पुलिस बल व प्रशासनिक अफसरों के बीच। नगर निगम बवाल के बाद आज दलितों ने कमिश्नरी से जिला मुख्यालय तक जुलूस निकाला और फिर कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। यहां भीड़ देखकर अति उत्साहित हुए पूर्व मंत्री मुकेश सिद्धार्थ अपनी जुबान पर नियंत्रण करना भूल गए। पहले उन्होंने SSP, DM और उनके बच्चों को जमकर कोसा और फिर ऐसा कुछ कह दिया जिसने डेनमार्क के कार्टूनिस्ट का सिर कलम करने वाली घटना को तरोताजा कर दिया। इस घटना में बसपा सरकार के मंत्री याकूब कुरैशी ने कार्टूनिस्ट का सिर कलम करने पर 51 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी। आज मुकेश सिद्धार्थ ने कहा कि यदि 10 जनवरी तक ऊर्जा मंत्री सुमेंद्र तोमर को गिरफ्तार नहीं किया गया तो उसे जिंदा जला दिया जाएगा, घर में आग लगा दी जाएगी। वहां मौजूद भीड़ से मुकेश सिद्धार्थ ने यह भी पूछा कि गिरफ्तारी की मांग को लेकर वह पुलिस की लाठी खाने और मरने के लिए तैयार हैं, तो भीड़ ने हां बोल दिया। इस पर मुकेश सिद्धार्थ ने कहा कि जो लोग मरना जानते हैं वही लोग जीना भी जानते हैं। देखिए क्या कहा मुकेश सिद्धार्थ ने DM ऑफिस के बाहर पुलिस व प्रशासनिक अफसरों के बीच। जिला अधिकारी SSP और अन्य अधिकारी बिल्कुल सुन नहीं रहे, बह रहे हो गए। मैं तो दुआ करता हूँ ये परमानेंटली बह रहे हो जाओ, इनकी औलाद भी बह रहे हो जाओ। दूसरी बात ये, आज 6 तारीख है और 10 तारीख 3 दिन बीच में है, ये 3 दिन कार्रवाई करें, मुकदमा कायम करें, सुमेंद्र तोमर को गिरफ्तार करें, धर्मेंद्र भारद्वाज को गिरफ्तार करें। अगर गिरफ्तार नहीं किया भाइयों तो आप लाठी खाने के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार है? जो मरना जानते हैं वो जीना जानते हैं, जो मरना नहीं जानते वो जीना नहीं जानते। आप लोग हम लोगों का साथ देंगे या नहीं बताइए। तो एक बात और सुन लो, 10 तारीख तक अगर सुमेंद्र की गिरफ्तारी नहीं हुई 10 तारीख के बाद नई कमेटी बनाई जाएगी, या तो सुमेंद्र तोमर को जिंदा जलाया जाएगा या उसके घर में आग लगाया जाएगा। आप तो सबसे पहले मैं चलूंगा आगे, गोली लगेगी तो पहले मेरे लगेगी, आपके बाद में लगेगी, आप मेरा साथ दोगे नहीं दोगे? गिरफ्तारी नहीं हुई तो खुद सुन लो, आग जली होगी, जिंदा बिल्कुल जलाया जाएगा, आप लोग साथ नहीं होंगे, समाज के साथ आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जिलाधिकारी मेरे तो आह्वान करता हूँ कि वो आए और आकर जा बन जाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।